अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा ये चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि एसी को डीसी में कैसे मुंतकिल किया जाता है या एसी को डीसी कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसके लिए जो चंद बुनियादी बातें हैं वो ये कि ये हमेशा याद रखें कि डीसी को एसी बनाना एक इंतहाई पेचीदा अमल है, जबकि एसी को डीसी बनाना इंतहाई आसान अमल है, क्योंकि डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इस तरह की कोई बातें नहीं होती। उसकी नस्बत एसी के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका टाइम पीरियड और पावर फैक्टर और बहुत सारे मामलात एसी के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों एसी को डीसी में ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक छोटे से सिस्टम के ज़रिए करेंगे, जिसमें हमारे पास एक 220 वोल्ट से 12 वोल्ट एसी का एक ट्रांसफार्मर है। उसके अलावा हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है और इस तरह हमारे पास चार डायोड्स हैं। दोस्तों अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात की जाए तो ये बना बनाया तैयार होता है, इसके अंदर चार डायोड्स लगे हुए हैं। वो किस तरह से वो मैं आपको इन डायोड्स की मदद से खोल कर बताऊँगा। दोस्तों इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरफ एसी के निशान हैं और एक तरफ जो है डीसी के निशान हैं दो तरफ। दोस्तों ये कैमरा इसको फोकस नहीं कर पा रहा। बहरहाल यहाँ पे दो निशान जो हैं वो एसी के हैं और दो जो हैं वो डीसी के हैं। तो जो एसी वाले निशान हैं दोस्तों उनको सीधा सीधा हमने जो है एसी के साथ लगा देना है। उससे पहले दोस्तों हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास वोल्ट कितने आ रहे हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड पे वोल्ट कितने आ रहे हैं और ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। इनपुट के दोस्तों अगर आप वोल्ट देखें तो 221 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पे स्टेप डाउन होकर हमारे पास वोल्ट कितने आ रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 12.49 एसी वोल्ट आ रहे हैं। मीटर का जो स्केल है वो हमने एसी सेलेक्ट किया हुआ है, डीसी के ऊपर ये नहीं बताएगा। ये जो इस वक्त ये रीडिंग है दोस्तों ये एरर है, इसको आपने नहीं देखना, ये पॉइंट से दाएं तरफ को है। तो अगर दोस्तों हम इसको डीसी पे करते हैं और यहाँ पे हम इसको नापें तो ये बिल्कुल जो है रीडिंग नहीं देता हमें, लिहाजा यहाँ पे हम एसी पे दोबारा वेरीफाई करेंगे इसको। ये 12 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। इस मकसद के लिए दोस्तों हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसकी ये एसी इनपुट हम यहां लगा देते हैं। दोस्तों डीसी आउटपुट पे कैपेसिटर इसलिए लगा होता है कि इनसे जो एसी निकल रही होती है वो जो डीसी कन्वर्ट होकर निकल रही होती है वो प्योर डीसी नहीं होती, उसके अंदर एसी रिपल्स आ रहे होते हैं। तो दोस्तों अब ये एसी नहीं बता रहा, अब इसे डीसी करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये डीसी में कन्वर्ट हो गया। ये वोल्टेज की थोड़ी कमी ज़्यादा थी जो है ये कैपेसिटर की वजह से बता रहा है, 17.44 वोल्ट डीसी बता रहा है। अच्छा दोस्तों ये जो रेक्टिफायर है ये अंदर से कैसा होता है दोस्तों, उसके लिए जो है हमने चार डायोड्स का इंतज़ाम किया है, इसे हम अब ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का एक आसान सा तरीका है कि डायोड के ऊपर एक निशानी होती है, इसकी एक तरफ जो है सफ़ेद लकीर होती है और दूसरी तरफ काली होती है। तो दोनों जो रुख हैं इसके, चूंकि एसी का तरफ एसी आपको मालूम है अपने रुख उलटती पलटती रहती है, तो इस हिसाब से हमने इन डायोड्स को ऐसे लगाना है कि एक तरफ इसका काला होना चाहिए और एक सफ़ेद होना चाहिए। इसको दोस्तों इस तरह से हम ट्विस्ट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे दो डायोड्स भी उठाने हैं, उनको भी ऐसे एक और दूसरे डायोड के मुखालिफ सिंक में हमने ट्विस्ट कर लेना है। तो दोस्तों बस आसान सी बात है, ये एसी के रुख हो गए हैं दोनों डायोड्स के, एसी की दोनों वायर्स यहाँ पे लगेंगी। डीसी के लिए हमने ऐसा करना है, डीसी चूंकि एक ही सिंक में होती है तो उसके दोनों जो ब्लैक वाली अतराफ हैं डायोड्स के वो हमने ऐसे लगा देने हैं और जो सफ़ेद वाले अतराफ हैं वो हमने ऐसे लगा देने हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर बन गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सफ़ेद लकीरें हैं यहाँ से हमें प्लस मिलेगा और जो काली काली अतराफ हैं यहाँ से हमें माइनस मिलेगा और यहाँ से हमने एसी इनपुट देनी है।